हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 13 सितंबर 2020, देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड वाईएसआर आसारा स्कीम? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर आसारा योजना शुरू की है? सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैज लॉन्च्ड वाईएसआर आसारा स्कीम। ये एक स्कीम है टू एम्पावर वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली, और इस स्कीम के तहत अभी तक अराउंड ₹6,790 करोड़ डिसबर्स किए जा चुके हैं इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ अबाउट 87 लाख वुमेन। अब आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च की गई स्कीम, तो देखते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैप में ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेटहुड मिला था अक्टूबर 1953 में। इसकी 3 कैपिटल्स हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। गवर्नर यहाँ के बिश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर यहाँ के वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी ऑन अक्टूबर 1953। और तेलुगु यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज है, तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया में इस वक्त 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस मिला है, तमिल, संस्कृत, कनाडा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। कुछ करंट अफेयर जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अभी तक हमने पढ़े हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया, द स्कीम ऑफ 3 राजधानीज, जैसे मैंने अभी आपको बोला यहाँ की 3 कैपिटल्स, ये स्कीम भी लॉन्च की गई। दैन रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस साइट्स फॉर वुमेन फ्रॉम वीकर सेक्शंस। दैन अभी रिसेंटली यहाँ बैन किया गया ऑनलाइन गेम्स को जैसे रम्मी एंड पोकर। दैन विद्या कनुका स्कीम लॉन्च की गई टू गिव स्टूडेंट्स फ्री यूनिफॉर्म एंड नोटबुक्स एक्सेट्रा। देन आंध्र प्रदेश रिसेंटली टॉप द स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग्स। सो नाउ वाईएसआर आसारा स्कीम अ स्टेप टू एम्पावर वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च की गई। सो इतना आपको आंध्र प्रदेश रिलेटेड याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेसेस वॉज रिसेंटली ग्रांटेड फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन? निम्नलिखित धार्मिक स्थलों में से किसी हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण प्रदान किया गया? सो रिसेंटली गोल्डन टेम्पल वॉज रिसेंटली ग्रांटेड फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो गोल्डन टेम्पल है दे कैन नाउ रिसीव द फॉरन डोनेशंस, और इन डोनेशंस को अब वो यूज़ कर सकते हैं इन द टेम्पल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू द नीडी। अब गोल्डन टेम्पल की बात है तो गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये है गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है और इसको फाउंड किया था इन 1577 बाय 4th Sikh गुरु रामदास एंड देन 5th Guru अर्जन ही डिज़ाइंड द टेम्पल। बाद में इसको मुगल के टाइम पीरियड में इसको कई बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया। देन महाराजा रंजीत सिंह जब वो उन्होंने सिख एम्पायर फाउंड किया, ही रीबिल्ट इट विद मार्बल एंड कॉपर इन 1809 एंड ओवरलेड सेम टाइम विद गोल्ड फॉयल इन 1830। तो उसके बाद इसका नाम गोल्डन टेम्पल पड़ा। देन 1984 इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी में यहाँ भेजी थी एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इसमें यहाँ कई कैजुअल्टीज़ हुई थी, लगभग 1006 सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए थे और काफ़ी डैमेज भी हुई थी इस गुरुद्वारे में एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अकाल तख्त। बाद में फिर इसको दोबारा रिबिल्ट किया गया आफ्टर द 1984 डैमेज। सो ये थे गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशन टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? सो रिसेंटली हांगकांग टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, और इस रैंकिंग में नंबर 2 पे आया सिंगापुर बेस्ड ऑन ये एक
डाटा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन 2018 डाटा। और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं टॉप 10 कंट्रीज़, उनमें इन न्यूजीलैंड है, देन स्विट्ज़रलैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा एंड आयरलैंड। और इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। इंडिया इसमें आया है 105th पोजीशन पर। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 79th थी, बट इस साल 26 स्पॉट इंडिया और नीचे गिर गया है। सो अब इसकी इंडिया में जो रैंकिंग वाई है 105th पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वन द विश्व चैंपियनशिप टाइटल, हाल ही में जिन्होंने विश्व वुशु चैंपियनशिप का खिताब जीता। रिसेंटली पूनम खत्री वन द वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप टाइटल। सो ये है पुलिस ऑफिसर पूनम खत्रे, जिनको विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मिला है, और ये है हरियाणा की झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। एक्चुअली पिछले साल 2019 में पूनम ने ईरानियन अपोनेंट मरियम से फाइनल में हारा था, बट जो मरियम थे जिन्होंने ये टाइटल जीता था, शी फेल्ड इन द रिसेंटली डोप टेस्ट। सो इसलिए अब ये जो खिताब है ये पूनम खत्री को दिया गया। इस तरह ये वर्ल्ड वुशु चैंपियन टाइटल जीतने वाले इंडिया की थर्ड प्लेयर बनी है। पहले इसमें जो जीता था वो जीता था पूजा कादियान ने, देन परवीन कुमार, अब रिसेंटली पूजा पूनम खत्री, शी बिकेम द थर्ड वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप ऑफ इंडिया टू वन दिस टाइटल। अब विश्व चैंपियनशिप ये क्या है? ये एक विश्व चैंपियनशिप, ये एक टाइप का मार्शल आर्ट है, चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, और ये हर 2 साल के बाद होता है। और इसके प्रेसिडेंट हैं जोहंग गाओ, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में। इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 1990 में। फर्स्ट सेशन हुआ था इसका 1991 बीजिंग चाइना में, देन लेटेस्ट जो इसका हुआ था 2019 में चाइना शिंघाई में। अब जो इसका नेक्स्ट सेशन है वो होगा 2019 में, जो इसका 16th सेशन होगा, एंड इट विल बी हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स डालास, यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ICC T20 बैटिंग रैंकिंग्स, हाल ही में जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग को किसने टॉप किया है? सो अभी हाल ही में कल हमने पढ़ा था ICC T20 टीम रैंकिंग्स, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था, नंबर 2 पे आई थी इंग्लैंड, और नंबर 3 पे आई है इंडिया। अब जो बैटिंग की रैंकिंग है इसमें प्लेयर रैंकिंग्स है, तो इसमें जो प्लेयर हैं जिन्होंने टॉप किया है इस रैंकिंग में, वो है डेविड मलान फ्रॉम इंग्लैंड, ये है डेविड मलान, तो इन्होंने इस रैंकिंग में टॉप किया है, ये इंग्लैंड से है। देन नंबर 2 पे आए हैं इस रैंकिंग में बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान, नंबर 3 पे आए हैं एरॉन फिच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 4 पर आए हैं KL राहुल फ्रॉम इंडिया। तो ये है रिसेंटली रिलीज्ड ICC T20 बैटिंग रैंकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू किया है? सो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च्ड दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। सो ये स्कीम दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, ये एक स्कीम थी जो 2017 में पहले लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम के थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट पे लोगों को मील्स प्रोवाइड की जाती थी, और इसका नाम रखा गया था BJP के आइडियोलॉजी जी, उनके नाम पे रखा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया था, बट इट वाज डिसकंटिन्यूड बाय द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट इन 2019। अब इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया, और अब इसमें रेट्स वगैरह उनमें भी चेंजिंग लाई गई है। पहले इसमें 5 रुपीज़ पर थाली दी जाती थी, अब 10 रुपीज़ पर थाली अब इसमें खाना दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेटलमेंट हुई थी इसकी नवंबर 1956 में, कैपिटल यहाँ की भोपाल, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल, चीम्स यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखते हैं, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क एंड पाना नेशनल पार्क। देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स ये मध्य प्रदेश में ही है। अभी हमने पहले भी कई बार ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सो आई थिंक अक्सर स्टूडेंट्स को ये याद भी हो गए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ हर हफ्ते 10 दिन के बाद इन चीज़ों को रिवाइज़ करता हूँ, ताकि आपको ये इसमें घोटा मारने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार रिपीट होने से आपको याद हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हमने पढ़ी थी,
जैसे जीवन अमृत योजना टू इंक्रीज इम्यूनिटी, देन जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई, टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च की गई फॉर स्टूडेंट्स, देन संकल्प योजना लॉन्च की गई, मध्य प्रदेश स्टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएफ सेल्फ फंडिंग स्कीम, देन मेरा घर मेरा विद्यालय, गवर्नर लालाजी टंडन अभी रिसेंटली गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, उनकी डेथ हुई थी पिछले महीने, देन एमपी पुलिस लॉन्च एफआईआर आपके द्वार, करमवीर अवार्ड फॉर एमपी पुलिस, देन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये भी लॉन्च किया गया, देन रिजर्व गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, देन अभी कुछ दिन पहले इन्हें गंदगी भारत छोड़ो कंपेन भी लॉन्च की गई थी, नाउ रिसेंटली लॉन्च दीन दयाल अंत्योदय रसोई योजना। सो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड मध्य प्रदेश, इतने फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टॉर्म कॉज्ड डिवास्टेशन इन जापान एंड साउथ कोरिया रिसेंटली, हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई। सो रिसेंटली हाशन स्टॉर्म कॉज्ड अ डिवास्टेशन इन जापान एंड साउथ कोरिया रिसेंटली, ये टाइफोन हाशन था इसका नाम है, एंड इट स्ट्रक जापान एंड कोरियन पेनिनसुला। अब जापान से रिलेटेड फैक्ट्स हमने पिछले दिनों ही देखे, तो आज देखेंगे हम साउथ कोरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक कंट्री है इन ईस्ट एशिया कॉन्स्टिट्यूटिंग सदर्न पार्ट ऑफ कोरियन पेनिनसुला एंड शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया। तो देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। सो ग्लोब में ये है इंडिया, ये है चाइना, और यहाँ पे ये है साउथ कोरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ में ये है नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को हम मैप में भी देख लेते हैं। सो ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, और इनके बिटवीन में जो बाउंड्री लाइन है इसका नाम है 38th पैरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कैपिटल है साउथ कोरिया की सियोल, प्रेजिडेंट यहाँ के मून जाओ इन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के चोंग सियो क्यून, और करेंसी यहाँ की कोरियन रिपब्लिक। Now next question, recently who signed a $50 million loan agreement with ADB, हाल ही में ADB के साथ किसने $50 million का ऋण समझौता किया है। Recently बांग्लादेश signed a $50 million loan agreement with ADB, अब ADB के साइन किया है तो ADB से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन December 1966, प्रेजिडेंट यहाँ के मास्तसोगो अस्कावा, और हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपाइंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द नेदरलैंड फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चरल एरियाज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्रों में सहयोग के लिए नेदरलैंड के साथ समझौता किया है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द नेदरलैंड फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया। इन विच कंट्री वॉज वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर रिसेंटली लॉन्च्ड। सो इन सिंगापुर वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। सो ये है वर्ल्ड का पहला एप्पल स्टोर ऑन वाटर। सो ये अभी शुरू किया गया इन सिंगापुर। सिंगापुर ये एक आइलैंड सिटी है इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। कैपिटल यहाँ की सिंगापुर, प्रेसिडेंट यहाँ के हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ली सैन लोंग, और करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर। और मैप में यहाँ पे ये है छोटा सा पॉइंट, ये है यहाँ पे सिंगापुर, ये है मलेशिया, और यहाँ पे ये छोटा येलो कलर का पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी डिजिटल करेंसीज लॉन्च की जा रही हैं, अब उनको टेस्ट करने के लिए ये डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है बाय मास्टर कार्ड्स। अब मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है, तो मास्टर कार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। इट वॉज फाउंडेड 1966, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। रिचर्ड हेथॉर्न थ्वेट ये है इसके करंट चेयरमैन, और अजयपाल सिंह बंगा ही इज द करंट CEO ऑफ मास्टर कार्ड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40, हाल ही में ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40 नामिक पुस्तक किसने लिखी है।
ये है बुक ब्रेकिंग द कोकोन एट द रेट 40, और इसके राइटर हैं राधा एम नेयर। सो राधा नेयर ये हैं इसकी राइटर इस बुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज जस्ट ज्वाइंड द WHO इंडिपेंडेंट पैनल। अभी WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुए? रिसेंटली प्रीति सूदन, ये हैं प्रीति सूदन, एंड ही हैज जस्ट ज्वाइंड द WHO इंडिपेंडेंट पैनल। सो इंडिपेंडेंट पैनल या इंडिपेंडेंट कमीशन ये लॉन्च किया गया है बाय WHO टू रिवाइव द ग्लोबल रेस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना किसने लॉन्च किया? सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना रिसेंटली। अब मत्स्य संपद योजना ये क्या है? ये एक मेजर स्कीम है इन फिशरी सेक्टर और इसका एम है टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन इन इंडिया बाय 70 लाख टन्स इन 2024-2025 तक 70 लाख टन मछली प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये है इसका मेन एम इस मत्स्य संपद योजना का। अब फिश प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इस वक्त वर्ल्ड में जो टॉप फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है चाइना। चाइना इस वक्त नंबर वन टॉप फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है और नंबर टू पर है इसमें इंडिया। और अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में अकॉर्डिंग टू द फिशरीज स्टेटिक्स इन सेप्टेम्बर 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर वन पर है इस वक्त आंध्र प्रदेश, नंबर टू पे है वेस्ट बंगाल और नंबर थ्री पर है इसमें गुजरात इन फिश प्रोड्यूसिंग यानी टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। विच बैंक हैज बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक रिसेंटली? सो DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड हैज बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक रिसेंटली। देन मैंने आपसे पूछा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो ये थे क्लेमेंट एटली। देन हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो 395। सो लगभग जितने स्टूडेंट्स ने भी आंसर किया बिल्कुल ठीक किया है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? हाल ही में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपने इसमें बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ये कब अमेंडमेंट, इसकी अमेंडमेंट सबसे फर्स्ट टाइम कब हुई थी? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में इनको शेयर भी करें। नाई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।